घर वालों को तो वैसे ही कभी उद्देश्य नहीं दिखा मेरा। मैं गुड़गांव गया था एक कंपनी का इंटरव्यू देने, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया दोपहर में। इंटरव्यू था और ये बोल के रिजेक्ट किया, यू ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। लास्ट टाइम रात को मुझे एक डायलॉग दे दिया था, कुछ 3:30 बजे फ्लाइट ले रहा था मुंबई से दिल्ली, सुबह शूट था, और मैं जैसे फ्लाइट पर बैठा तो मेरे को मैसेज आया सर का, डायलॉग था वो काफ़ी लंबा सा, बोले आ जाए ये शूट कर रहे हैं आज। तो मैंने कहा ये थोड़ी ना याद हो जाएगा मुझसे, मुझे नींद आ रही है 3:30 बजे रात के। तो बोले नहीं तू कर लेगा आ जा। तो मैंने ऊपर के 5-6 लाइन कुछ ऐसा रट ली, मैंने कहा ये जाके बोल देंगे, वहाँ जाके बोले नीचे का शूट करते हैं। मैंने लेकिन नीचे का तो याद ही नहीं किया, ऊपर का क्या। भाई तू झूठी में मक्कार में आपको रणबीर की जिंदगी का उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था, बट इस फिल्म को करने का उद्देश्य आपका क्या था? क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो कॉमेडी है वो अपनी जगह पे बहुत सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर है, सो व्हाई बस्सी बिकेम अ पार्ट ऑफ तू झूठी में मक्कार? मैं बना क्योंकि मुझे लव सर की टीम से फ़ोन आया था एक दिन, बोला लव सर मिलना चाहते हैं। तो मैं कहा मैं बॉम्बे भी आ नहीं रहा हूँ, टूर पे हूँ, तो कॉल पे बात कर लेते हैं। फिर लव सर का फ़ोन आया, मैं 1 महीने बाद मिला उनसे, उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा रोल लिख रहा हूँ जिसपे काफ़ी हद तक वो तेरे जैसा कैरेक्टर तेरी तरह बात करता है, तो इंटरेस्टेड होगा तो कर ले। मैं कहा मुझे कुछ नहीं आता एक्टिंग के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो बोले कि कोई नहीं मैं करा लूँगा। मैं कहा ठीक है, बस इतना खराब कुछ मत कराना कि स्टैंड अप बंद हो जाए। क्योंकि वो चल रहा है अच्छा खासा, वो दुकान ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वो ऑलरेडी अच्छी खासी चल रही है, तो वो मत कराना। तो बोले ठीक है। और इनिशियली तो ये लव सर ने मुझसे 30-35 दिन बोले थे कि 30-35 दिन करे, तो मैं कहा 30-35 दिन क्या है, ठीक है कर लेते हैं, एक टूर नहीं करेंगे। होते करते 2 साल लिए उन्होंने मेरे, बीच में इतने दिन शूट चला मुझे पता भी नहीं कब कब मैं जाता था। तो उसके लिए मैं लव सर को हमेशा बोलता रहता था, मैं इतनी बात नहीं हुई थी आपसे, ठीक है थोड़ी सी बात हुई थी, क्योंकि मुझे शोज करने जाना है। पर फिर मजा आने लगा थोड़े टाइम बाद, तो फिर करते रहे। तो अब उद्देश्य एज सच स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, खत्म होने तक भी लगने लगा कि मजा तो काफी आ रहा था, ठीक है। पैसों का नुकसान हो गया लेकिन काफी, बहुत ज्यादा ठीक। तो भरपाई करी? भरपाई कर ली मैंने उसके बाद, डबल काम करके कर ली। अच्छा डबल काम करके। मैं लास्ट ईयर से तो मैं वर्ल्ड टूर तो कर रहा हूँ, पूरा एक साथ ही कर दिया। पहले ये प्लान था कि शुरू में जाऊंगा, मतलब पहले ये था कि 3 महीने के लिए जैसे US जाऊंगा, फिर वापस आके 6 महीने छुट्टी लूंगा, और छुट्टियों से ली नहीं जाती है। तो मुझे 2 दिन में लगने लगता है कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूं कुछ। हाँ, वो ऐसा लगता है ना, निकाल दिया हमको नौकरी से। हाँ, एक हफ्ते ऑफिस नहीं जाए तो ऐसा लगता है यार कोई फोन ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा कहीं पता चले जाके कहीं कि ठीक है। हाँ, इसीलिए फिर मैंने पूरा वर्ल्ड टूर कितने 11 महीने में खत्म ही कर दिया, मैं हर जगह चला गया। अच्छा, लव रंजन के बारे में कहते हैं स्क्रिप्ट व्रिप्ट नहीं देते हैं, ऑन द स्पॉट चीजें करवाते हैं, सो इज इट राइट? मतलब एक होता है कि नहीं देते हैं, एक होता है उन पे होती ही नहीं है, कहां से देनी है। मतलब राइटिंग का पैसा बचाते क्या करते हैं? नहीं, वो राइटर तो खुद ही है ना, वो आदत तो वो करते रहते हैं अपना, अपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक करते हैं वो। तो काफी हद तक मुझे तो मजा ही आता था, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं, तो कोई वो नहीं था। बट हाँ, जब एकदम से वो डायलॉग याद करने पड़ते थे तब लगता था कि सर थोड़ा 1 घंटा पहले दे देखो। बट अच्छा था वो, हम मजाक ज्यादा भी उड़ाते, उनकी इतना भी नहीं था। अच्छा, हीरो का दोस्त बनना, आप अपने शोज के सुपरस्टार हैं, मतलब जो होता है बस्सी का शो है तो इट्स ऑल अबाउट बस्सी, तो एक कोई इनिबिशन नहीं था कि यार हीरो का, हालांकि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें हीरो से ज्यादा हीरो का दोस्त याद रह जाता है कई बार, या मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं फिल्मों में जो भले छोटे होते हैं बट दे इम्पैक्टफुल होते हैं, सो इस बात को लेके किसी कोई इनिबिशन? कभी भी कुछ नहीं, दोस्त भी तो रणबीर कपूर का बना, वो मेगा स्टार है, वो आदमी बहुत बड़ा है। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी का दोस्त बनना है, मुझे बस अपने उससे मतलब था कि मुझे किस तरह से डायलॉग बोलना है बस ये बता दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे नहीं पता ये दोस्त बन के क्या होने वाला है, इस कैरेक्टर से क्या होने वाला है, मुझे बस बताओ मुझे क्या करना है, वो लफ्ज़ बता देते, मैं उतना कर देता था बस। मैं ज्यादा सोचा भी नहीं कि कैसे क्या लगेगा, क्या होता है, बन के कैसा आएगा, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। तो मैं तो बस अपना उतना काम करके मैं अपना चला जाता था वापस। अच्छा, ट्रेलर आया आपका, एक डायलॉग ट्रेलर में था जो मैंने अभी बोला भी, वो एकदम बड़ा फेमस हो गया एकदम से, मतलब जो बस्सी के चाहने वाले हैं उन्होंने देखा कि यार, तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, घर वालों ने क्या कहा? घर वालों को तो वैसे ही कभी उद्देश्य नहीं दिखा मेरा, उन्होंने कुछ कहा ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें तो अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है उन्होंने स्क्रीन पर देख लिया। बाकी कॉम्प्लीमेंट मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला, बट हाँ वही है कि जब भी मैं ट्रेलर कहीं पे चलता देखता था, उसमें जब भी मैं आता था और वो उद्देश्य वाली लाइन पे कुछ मीम्स बना रही, कुछ लोग मुझे स्टोरी बना के डाल रहे हैं, तो बस वो अच्छा लगता है। बाकी तो मजा ही आएगा, ऐसे और डायलॉग भी होंगे मुझे याद नहीं है, सच बताऊं तो बहुत। जैसे एक आपने एक जगह मैंने सुना आपने बोला था कि आपके घर वाले आपके शो को ज्यादा देखते नहीं है, मतलब देखने नहीं आते हैं नॉर्मली, कि उनको ज्यादा मतलब नहीं होता कि तू इतने बड़े शोज कर कैसे लेता है, हाँ इतनी देर बोल कैसे लेता है, वो उनका पॉइंट है, इतनी देर बोल कैसे लेता है, थके नहीं हो या कुछ। वो ऐसा नहीं है कि वो देखना नहीं चाहते हैं कुछ, उनके साथ क्या है कि दूर नहीं जाना, नोएडा कर ले हम आ जाएंगे। ये मत सोचो कि हम कहीं और, जैसे मैं बोलूं कि बैंगलोर में बहुत बड़ा शो रहा है तो कहते ऑल द बेस्ट, इतनी दूर नहीं आ रहे हम किसी भी हालत में,
तो दिल्ली में देखा था उन्होंने एक शो, यही मैं यही खाना खिलाने लाया था उन्हें। तो अब क्या है ना, मैं शो भी तो मैं तो ऑडियंस चेंज होती है, मैं तो शो सेम ही कर रहा हूँ तब से, अब जाके अपने नया शो लिखूंगा, ये शो तो मैंने अभी जो रिलीज किया है मैं सेम ही कर रहा था, तो वो देखेंगे भी क्यों, कितनी बार देखेंगे, तो इसलिए वो उन्हें लगता था कि यहाँ ठीक है कुछ। मैंने बीच में मैंने उनसे बोला था कि उनका आधा घंटा कुछ चेंज कर दिया, मैंने आधा घंटा नया ऐड कर दिया, तो वो सुन लेना। तो मुझे नहीं लगता उन्हें पता चला होगा कौन सा आधा घंटा था वो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था भाई, अपना भाई रणबीर कपूर का दोस्त बन गया, मतलब मेरे तो पहले से खुश थे सुन के, क्योंकि उन्हें तो पता ही था इतने टाइम से मैं वो काम कर रहा हूं कुछ। तो अब सर अभी मिला नहीं हूं, जब से ये ट्रेलर मिल रहा है ना तब से मिलने जा नहीं पाया, क्योंकि जिस दिन से ये सब हुआ है मैं ऑस्ट्रेलिया था, अभी वापस आया कुछ टाइम पहले, तो अभी जाके मिलूंगा तब देखता हूं एग्जैक्टली क्या सीन, मूवी दिखाऊंगा उनको भी। अच्छा मक्कारी आपने भी बहुत की है, होटल वोटल खोला था आपने कुछ, कौन सा होटल मैंने सुना है कि हाँ, कुछ उस वो किस्सा, तो लाइफ में तो सारी की है ना मैंने, तो वो तो कुछ वो किस्सा अगर आप बताएं तो मैंने पूरा अमेज़न पे डाल ही दिया ना, मैं तो पूरा शो डाल दिया मैंने, मैंने यही दिल्ली में खोला था रेस्टोरेंट, तो वो खोल तो दिया था, वही होता है कि चलेगा कैसे, तो वो चलाने में मक्कारी करते थे, हमें लगता था कि कस्टमर्स को पता ही नहीं चलेगा उनके साथ क्या कर रहे हैं, बट ठीक है 4-5 महीने बंद हो गया फिर छोड़ दिया फिर सब कुछ। अच्छा आप झूठ झूठ बोलते हैं? सभी बोलते हैं, जो बोलते हैं झूठ नहीं बोलते, वो झूठ बोल रहे होते उस टाइम पे। तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत पकड़े गए हो घर पे झूठ बोला, वो सुताई हुई हो एकदम? तो सर बहुत पिटा हूं, तो पता नहीं हमेशा से झूठ बोलता है कहां, मतलब वो सब उल्टे सीधे झूठ बोलना, बाइक से गिर गए और जाके बोल रहे हैं कि नहीं तो फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई, वो तो सब लांडे बोलते हैं। हां तो मतलब ऐसे से झूठ पे रोज ही बोलता था, रोज ही पिटता था। लड़की के चक्कर में झूठ बोला है? लड़की के किसी और से होगा सर, बोला ही होगा उस चक्कर में पिटा होगा भी? नहीं उस चक्कर में पिटा कभी नहीं, इतना भाव किसने दिया ही नहीं कि बात वहां तक पहुंचे, उससे पहले खत्म हो गया क्या निकला चलो ठीक है। अच्छा इस फिल्म में आपने कॉमेडी की, वैसे आप कॉमेडी करते हो, ज्यादा मजा किस में आता? दोनों अलग अलग, बिल्कुल ही अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बस थोड़ा सा ये होता है कि उसमें मुझे 1-1.5 महीने बाद मजा आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं डायलॉग्स किसी और के बोल रहा हूँ, तो मुझे उसकी डायलॉग की रिदम नहीं पता किस रिदम में लिखा गया, मुझे अपने लिखे हुए का पता है, अपना लिखा हुआ हमेशा पढ़ते हैं, तो मैं अपना लिखा हुआ मुझे पता है इसके रिदम में, यहाँ पॉज है यहाँ पे है, तो उसके लिए मुझे 1-1.5 महीना लगा लव सर का वो माइंडसेट समझने में, कि मैंने उसके लिए ऐसे सच कोई वर्कशॉप मैंने एक्टिंग की कुछ नहीं करी है, लेकिन मैंने इतना जरूर किया था कि मैंने जाके लव सर की पुरानी मूवीज देखी थी कि किस टोन से इन्होंने बुलवाया है, किस टोन में ये डायलॉग लिखा होगा, तो मैं वो सोचता था, फिर एज अ राइटर और एज अ परफॉर्मर मैं दोनों तरफ से सोचता था, तो वो 1-1.5 महीना मेरे लिए वो था कि मजा मुझे कम आया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद जब मैं पकड़ लिया मैंने उनकी टोन, फिर उन्हें ज्यादा बताना भी नहीं पड़ता, तो बोलते थे ऐसे बोलना, मैंने ठीक है बोलते। अच्छा मोनोलॉग्स इनकी फिल्मों में खूब होते हैं, तो आपका कोई मोनोलॉग देखने को मिलेगा इसमें? मोनोलॉग तो पता नहीं, पर हाँ लव सर जनरली डायलॉग लंबा लिखते हैं, वो काफी लंबे लंबे डायलॉग्स लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मोनोलॉग हो ही जाते हैं, पर तो है मेरे कुछ तो है ही, मैंने क्योंकि मैंने मुझे याद, मैंने याद किया था, लव सर ने रात को मुझे एक डायलॉग दे दिया था, कुछ 3:30 बजे फ्लाइट ले रहा था मुंबई से दिल्ली, सुबह शूट था, और मैं जैसे फ्लाइट में बैठा तो मेरे को मैसेज आया सर का, डायलॉग था वो काफी लंबा सा, बोले आ जाए ये शूट कर रहे हैं आज, तो मैंने कहा ये थोड़ी ना याद हो जाएगा मुझसे, मुझे नींद आ रही है 3:30 बजे रात के, तो बोले नहीं तू कर लेगा आ जा, तो मैंने ऊपर के 5-6 लाइन कुछ ऐसे रट ली, मैंने कहा ये जाके बोल देंगे, वहां जाके बोले नीचे का शूट करते हैं, मैंने कहा नीचे का तो याद ही नहीं किया, ऊपर का सीमोर नहीं देखा था? नहीं मैंने सीमोर देखा, मैंने कहा तलब मत थोड़ी होगा आज इतना सही होगा, फिर मैंने पता नहीं शायद हमने शाम में किया था कुछ तो देर में किया था। अच्छा ये बताइए आपने जब शुरू किया कि मुझे कॉमेडी करनी है, तो कैसे दिमाग में कैसे आया, मतलब मेरठ का लौंडा, मतलब कुछ नहीं सर, कोई मेरठ का लौंडा कुछ नहीं, एक्सीडेंटली हुआ है सब कुछ, मैं तो दिल्ली तैयारी करने आया था UPSC की, उसके बाद जॉब वॉब कर ली बीच में, फिर वही रेस्टोरेंट खोल लिया वो बंद हो गया, तो बेसिकली मैं टिकता नहीं हूँ किसी एक जगह पर, मुझे बार बार लगता है मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, तो वही करते करते मैं एक दिन अचानक से ओपन माइक करने पहुँच गया, तो मैं गुड़गांव गया था एक कंपनी का इंटरव्यू देने, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया दोपहर में, इंटरव्यू था और ये बोल के रिजेक्ट किया यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, मैं कहा ओवर क्वालिफाइड मेरे पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ नहीं है, किसी चीज नौकरी है इसमें स्टार्टअप था कोई इसका लीगल से रिलेटेड स्टार्टअप था, तो उनका काम जैसा था उन्हें वैसे भी लोग चाहिए थे, मुझे नहीं पता मैं ओवर क्वालिफाइड कहाँ से था, तो मुझे लगा निकालने का अच्छा तरीका है, आप कॉन्फिडेंस अगले को कॉन्फिडेंस में डाल दे रहे हो निकालने के बावजूद कि मैं तो ओवर क्वालिफाइड हूँ इस चीज के लिए। सेम डे मैंने कैनवस में अप्लाई किया वो ओपन माइक के लिए, तो मैं चला गया, मैंने जाके अपना परफॉर्म किया, मैं ऐसे क्या था कि मजे करेंगे, मैंने उसकी वीडियो भी ली थी, उसकी वीडियो के अलग से पैसे लगते थे 2,500 रुपए, तो मैंने उनसे वीडियो भी मांगी थी, मैंने कहा वीडियो दे दो ताकि मैं खुश रहूंगा कि मैंने एक बार परफॉर्म किया, कि एक बार माइक के आगे आके हमने कह दिया कुछ, फिर मैं जाने लगा, फिर उन्होंने बोला आप वापस आ जाना, मैंने कहा जाऊंगा मैं खाली हूँ बिल्कुल, फिर मैं जाने लगा, फिर 4-5 बार मुझे लगा कि ये तो अच्छा चीज है, फिर मैंने किया, फिर 1.5 साल मुझे लगा कि अब तो ये करते हैं मजा आ रहा है,
तो किस टाइम पे ऐसा लगा कि अब मतलब कर लिया कुछ, ऐसा कौन सा पॉइंट आया? हालांकि बहुत चीजें अभी बची हैं ये जरूर आप कहोगे, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसा स्टैंड अप में पूछ रहे हो ना? स्टैंड अप में हाँ, वो सर आने लगा था लगभग 6-7 महीने बाद आने लगा था, जब सर्किट में सारे सीनियर कॉमिक्स आपको बुलाने लगते हैं कि आ जाओ शो ओपन करो, तो बेसिकली हर कॉमिक से पहले कॉमिक 5-6 मिनट 10 मिनट का स्पॉट मिलता है, तो उसके लिए जब सब बुलाने लगे थे तभी लगने लगा था कि चलो ठीक है, जब इंडस्ट्री में जो सीनियर कॉमिक्स है जो एक्सपीरियंस्ड है वो अगर आपको बुला रहे हैं तो, और वो देखने के बाद बोल रहे हैं कि अच्छा था यार काफी बढ़िया था, तो फिर तब लगने लगा था कि हो तो जाएगा कुछ ना कुछ। फिर तो अल्टीमेटली तो चीटिंग वीडियो डालने के बाद ही हुआ, जब वीडियो वायरल हो गई तो मुझे नहीं समझ में आया इतनी कैसे चल गई, तो फिर लगा मैं चलो। तो पहला चेक वेक आपको मिला था आपने मेड को दे दिया था? मेड को तो नहीं, मतलब वो तो जोक्स में वो कर रहा हूँ, पर वो उस चेक का करते ही क्या, मतलब हमारे उससे तो मुझसे 3 महीना तो उधारी में चल रहे थे जितने का वो चेक है। कुछ तो आता उससे? कुछ नहीं है, उससे जाना भी तो पड़ता है इतनी दूर तक, और उसमें 200-300 रुपये खर्चा लग जाता है। चेक कितने का था वो? ऐसा ही कुछ था, 1800 कुछ टाइप का। अच्छा, तो मतलब पहली कमाई जो थी वो 1800 रही? नहीं, उससे पहले कमाई करी थी मैंने कुछ 5-10 हज़ार रुपये टाइप्स, मैंने 2-3 केस में लिए थे, पर उसके बाद फिर जब आप वो कर रहे थे इंटर्नशिप कर रहे थे, मैं बीच बीच में वो करने चला जाता, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता चैनल पर बैठा, मतलब बीप लगा, बाद में बता दूं आपको। मतलब वही कि कोई मुझे जानने वाला मिल गया किसी का, इस भाई का मुझे कोई मिल गया था, आपका पता है मुझे आपके अच्छी वगैरह चल रही है, तो इस भाई का केस उठा के यहाँ करा लिया, कमीशन ले लिया, ऐसे बीच बीच में कर जाता था, जुगाड़बाजी करते रहते, कुछ ना कुछ ना कुछ खर्चा वर्चा कुछ तो कर ही लो इधर उधर खड़े हैं। तो अच्छा, जब हो गया कॉमेडी वॉमेडी को, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा नहीं कि तू, मतलब घर वाले तो हमारे चाहते हैं ना बेटा जब तक डॉक्टर ना बने वकील ना बने तो कुछ नहीं है बेटा, वो सब तो ठीक है तू बन जा। 5-6 महीने बाद मैंने 5-6 महीने तक बताया नहीं रखा कि मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ। 5-6 महीने बाद मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे मैं कॉमेडी करूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर उन्होंने ले लिया टाइम, मैंने अपना ले लिया, उन्होंने दे दिया। फिर मैंने उन्हें जब वीडियो डाली थी, जब मैंने वीडियो देखी उन्होंने, तो उन्हें तब यकीन हुआ ही नहीं शुरू में कि तभी जा सकती होगी। फिर एक टाइम पर जब इतनी चली गई वीडियो, इतना वायरल हो गया वो, तब पिताजी को लगने लगा कि ये तो होता ही होगा, उसने हमें पागल बनाया होगा कि इतनी तो किसी की नहीं जाती। क्योंकि पापा के हिसाब से लग रहा था 10 लाख लोग, मतलब जब वो मिलियन हुआ तो पापा कह रहे तो एमपी बन जाता है इतने आदमी, उनका दिमाग वोट के साथ चलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो अच्छा है काफी, तो फिर मैंने कहा मैं यही करूँगा आप इसमें। फिर उन्हें थोड़े टाइम में पता चल गया कि पैसे वैसे भी आते हैं तो ठीक है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा सुनो जितनी मैं नौकरी करता उससे तो कहीं ज्यादा आ रहे, तो चिल करो आप आराम से। फिर छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिल्म भी कर ली तो अभी आगे क्या प्लान है? मतलब मुझे तो नहीं समझ नहीं आ रहा, मुझसे सब पूछ रहे हैं, मेरे कोई प्लान नहीं था, मेरे तो इसका भी कोई प्लान नहीं था, क्रिकेट ही खेल सकता हूं उसके बाद तो और क्या बचा। नहीं, मतलब स्टैंड अप तो जाहिर है चलते रहे, स्टैंड अप मतलब तो हमेशा चलेगा, वो तो आपके साथ मुझे लगता है एसोसिएटेड हमेशा रहेंगे। नहीं, वो तो हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, उसमें तो कुछ नहीं, बाकी देखते हैं कुछ आता रहेगा तो कर लेंगे। तो अभी फिल्म में ऑफर होंगी तो करेंगे चूज, या अभी सोचेंगे? स्टैंड अप प्रायोरिटी रहेगी मेरी, बीच में मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ, कैरेक्टर्स चूज कर लूंगा जो भी, मतलब कौन हूँ मैं चूज करने वाला, देखेंगे। मतलब इसमें तो नुकसान हो गया पैसों का, तो आगे से डील सोच समझ के करेंगे। नहीं नहीं, इसमें मजा बहुत आ गया ना लेकिन। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर टॉकिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि एक जो आपका इतना बड़ा फैन बेस है, इस फिल्म को जरूर उसका फायदा मिलेगा, बहुत हम उम्मीद करते हैं इसकी, और कॉमेडी लेकिन जारी रहेगी 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।